वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MLT। आज हम जानेंगे बॉडी प्लेन्स के बारे में। इन एनाटॉमी हमारे जो बॉडी होती है उसको हम एक इमेजिनरी लाइन से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो जो बॉडी प्लेन्स होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। एन एनाटॉमिकल प्लेन इज़ अ हाइपोथेटिकल प्लेन यूज टू इंटरसेक्ट द बॉडी इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ स्ट्रक्चर और द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। इसकी ज़रूरत हमें किस लिए पड़ती है? ताकि हम अपनी बॉडी में कौन सी चीज़ें कहाँ प्रेजेंट हैं, कौन सा ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट है, उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर पाएँ। सो इन ह्यूमन एनाटॉमी फोर प्लेन्स आर यूज्ड इन ह्यूमन बॉडी। ओके, सो फर्स्ट है, पहला है फ्रंटल प्लेन जिसे कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं। दूसरा है ट्रांसवर्स प्लेन जिसको हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं। तीसरा है सजाइटल प्लेन और चौथा है ऑब्लिक प्लेन। सो अब आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। सो फर्स्ट था हमारा फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन। द फ्रंटल और कोरोनल प्लेन विल लिटरली लीव यू विद द फ्रंट एंड द बैक पोर्शन। ये जो फ्रंटल प्लेन होता है, कोरोनल प्लेन क्या करता है, हमारे फ्रंट और बैक पोर्शन को डिवाइड करता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, अ प्लेन दैट्स रन वर्टिकली फ्रॉम द टॉप टू बॉटम एंड डिवाइड्स द बॉडी इन द फ्रंट एंटीरियर साइड एंड द बैक पोस्टीरियर साइड। जो फ्रंटल प्लेन होता है ये हमारे एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट को डिवाइड, यानी आगे के और पीछे के भाग में डिवाइड करता है। सो नेक्स्ट है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन जिसे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी को ऊपर और नीचे में डिवाइड करता है, यानी कि टॉप और बॉटम, यानी ऊपर सुपीरियर नीचे इन्फीरियर, इन पोर्शंस में डिवाइड करता है हमारी बॉडी को ऊपर और नीचे में, आप डायग्राम में देख सकते हैं। दूसरा, इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं। इसका जो ट्रांस मतलब है, इसका मतलब होता है अक्रॉस। सो नेक्स्ट है हमारा सजाइटल प्लेन। इट्स रन वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इट्स डिवाइड्स द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट पोर्शन। सो डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो सजाइटल प्लेन होता है हमारी बॉडी को मिड लाइन से डिवाइड करता है, यानी हमारे शरीर के बीच के जो हिस्से होते हैं, हिस्सा होता है मिड लाइन, वहाँ से डिवाइड करता है लेफ्ट और राइट में। इसमें होता है पैरासजाइटल प्लेन और मिड सजाइटल प्लेन। पैरासजाइटल, जो मिड सजाइटल होता है वो हमारी बॉडी को मिड लाइन से डायरेक्टली डिवाइड करता है, यानी मिड लाइन से लेफ्ट और राइट में। और जो पैरासजाइटल होता है वो मिड लाइन से थोड़ा दूर होता है, जो कि हमारी बॉडी को मिड लाइन से डिवाइड नहीं करता है। सो आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो मिड सजाइटल प्लेन है वो रेड कलर से शो हो रहा है, येलो से शो हो रहा है पैरासजाइटल प्लेन, जो कि मिड लाइन से दूर से डिवाइड करता है। सो नेक्स्ट है ऑब्लिक प्लेन। ये क्या होता है, ना हमारी बॉडी को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करता है ना वर्टिकली डिवाइड करता है। ये जितने भी अभी तीन प्लेन्स पढ़े थे उनके अपोजिट होता है, ना ये लेफ्ट राइट में डिवाइड करता है, ना सुपीरियर इन्फीरियर, और ना ही एंटीरियर और पोस्टीरियर में। ऑब्लिक जो होता है ये कुछ डायग्राम में आप देख सकते हैं, विदाउट एनी एंगल ये डिवाइड करता है बॉडी को। ऑब्लिक मीन्स दैट सम इज़ नॉट पैरेलल, यानी ये बराबर से डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। एन ईजी वे टू रिमेंबर दीज इज टू रिमेंबर ऑब्लिक्स आर ऑड एंगल, यानी कि ऑड यानी अलग, ये अलग तरीके से डिवाइड करता है बॉडी को, ठीक है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। सो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।